क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू द ओरिजिनल कोन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लेते हैं ओरिजिनल कोन। तो दिस इज योर ओरिजिनल कोन, ठीक है, एंड यहां पर हमने ले लिया रिड्यूस्ड कोन। नाउ अब वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो आप देखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो क्योंकि आपका इसमें देखो ओरिजिनल कोन के अंदर आर इज इक्वल टू आर, आर रेडियस इज इक्वल टू आर, और यहां पर क्या है आपका रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, आर बाय टू, हाफ किया है इसने देखो हाफ। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें देखो, आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, नेक्स्ट इज आर स्क्वायर, तो आर बाई टू होल स्क्वायर, आर बाई टू होल स्क्वायर इन टू एच, ये फॉर्मूला है। नाउ अब आपको रेशियोस निकालने हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपका क्या आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 स्क्वायर इज 4, 4। नाउ अब रेशियो देखो कैसे इसने लिया है, रिड्यूस्ड कोन टू द ओरिजिनल कोन, तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोन बाई ओरिजिनल कोन, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। तो देखो क्या आ रहा है आपका, रिड्यूस्ड कोन का फॉर्मूला इज दिस, तो आपका आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 4 बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो कट करो, 1/3 गॉन, पाई एंड पाई गॉन, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर गॉन, एच एंड एच गॉन, तो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा आपका 1/4 और नीचे क्या है आपका 1, तो 1 को हम और कैसे लिख सकते हैं, बाई 1। नाउ आउटर टू आउटर मल्टीप्लाई करो एंड इनर टू इनर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो पहले आउटर वाला लिखो क्या है, 1 × 1 = 1, तो आपका आ गया 1/4 × 1 = 4, तो देयर फोर द रेशियो इज 1:4, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से करना है।